हाई गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में का एक जाना माना नाम देखने मिलता है अरबिंदो फार्मा। यह स्टॉक का यह स्टॉक रिटर्न के मामले में भी काफ़ी अच्छा है और अभी फिलहाल ये स्टॉक हमें गिरावट में देखने को मिल रहा है, तो इस गिरावट भरे माहौल में आपको इसे बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के जो आगे के मोमेंटम है वो खास हमें देखने को मिलेंगे। इसी के चलते ये वीडियो मैंने इस बेसिस पर बनाया है, क्योंकि गिरावट स्टॉक के अंदर 5-6% तक की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल दिखाने में सक्षम रहेगा। तो चलिए बढ़ते हम आगे। सबसे पहले स्टॉक के जो फ्राइडे की ट्रेडिंग है उसके बारे में बताना चाहूँगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5-6% तक की स्टॉक के अंदर गिरावट देखने मिली। इतनी भारी गिरावट फार्मास्यूटिकल सेक्टर में से अरबिंदो फार्मा स्टॉक में देखने को मिली, जो कि स्टार्टिंग से इसका रुझान आप देख सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेडेड हमें देखने को मिला। और लेकिन हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट स्टॉक के अंदर ये हमें देखने मिल रहा है, जो कि इसकी क्लोजिंग देख सकते हैं थोड़ी सी ऊपर इसकी गर्दन हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते स्टॉक में मंडे के दिन इसका रुझान हमें पॉजिटिविटी की ओर जाते हुए ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लेवल पर स्टॉक के जो 5 डेज़ का चार्ट है वो आपके सामने रखना चाहूँगी। 5 डेज़ में स्टॉक के कंसोलिडेशन फेस था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और उसके बाद स्टॉक के आप मोमेंटम देख सकते हैं नीचे की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये गिरावट आखिर किस लेवल तक जाएगी और क्या मोमेंटम ऐसे स्टॉक के अंदर आएगा, जिसके चलते स्टॉक को एक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि स्टॉक के आप मोमेंटम देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर मोमेंटम खास देखने को नहीं मिल रहे थे, तो एक अच्छे खासे ब्रेकआउट आने के चांसेस के अंदर कई ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं। जब स्टॉक कोई भी यहाँ पर शांति से ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, तब उसके अंदर एक न्यूज़ आने की बात होती है, या फिर उसके अंदर कुछ प्रोमोटर्स हो या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर होल्डिंग के अंदर चेंजेस आने की बात हो, तो इसके अंदर एक क्विक पॉइंट मिल जाता है, इसे ब्रेकआउट मिलने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अरबिंदो फार्मा हो, कैडिला हेल्थ केयर हो, या 3 अदर इन द रेस्ट टू एक्वायर स्टीयरलिंग बायोटेक, तो ये जो 3 कंपनियाँ हैं यहाँ पर, जो अदर 3 कंपनीज है उसमें से अरबिंदो फार्मा और कैडिला सहित आप यहाँ पर देख सकते हैं एक रेस के अंदर यहाँ पर जुड़ चुके हैं, जो कि एक्वायर स्टीयरलिंग बायोटेक। लास्ट मंथ में देखा जाए तो द लिक्विडेटरी हैड इनवाइट बिड्स फॉर द लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द स्टीयरलिंग बायोटेक टू द स्टेल एट्स गोइंग कंसर्न एट ए रिजर्व प्राइस भी आप उसकी देख सकते हैं 548.46 करोड़ रुपीज़ की हमें इसकी रिजर्व प्राइस भी देखने को मिली थी स्टीयरलिंग बायोटेक के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बोर्ड ऑफ अरबिंदो फार्मा के टर्मिनेट्स है वह एग्रीमेंट करते हुए देखने मिल रहे हैं फॉर द एक्वाइजिशन फॉर द कॉर्नस फार्मा। तो यहाँ क्रोनस फार्मा के रिलेटेड यहाँ पर एक्विजिशन होते हुए देखने मिल रहा है अरबिंदो फार्मा का, जो कि इसके बोर्ड मीटिंग के अंदर इनका डिस्कशंस भी यहाँ पर होते हुए देखने मिलता है, जिनकी बोर्ड मीटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 अगस्त 2021 को जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसके अंदर इसके रिलेटेड हमें डिस्कशन देखने को मिला। उस डिस्कशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्विजिशन 51% की ओनरशिप होने जा रही है क्रोनस फार्मा के अंदर, जो कि म्यूचुअली एग्रीड होंगे अफोरसेट टर्मिनेशन के जरिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं अरबिंदो फार्मा स्टॉक के रेट है, जो कि अरबिंदो की कॉल आते हुए देखने मिल रही है 420 करोड़ रुपीज़ टू डील एक्वायर 51% स्टेक इन कॉर्नस फार्मा। तो अरबिंदो फार्मा आप देख सकते हैं 420 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर डील करते हुए देखने मिल रहे हैं फॉर द 51% स्टेक इन द कॉर्नस फार्मा के रेटेड। तो ये दोनों की जब यहाँ पर आपस में पार्टनरशिप होगी, जो यहाँ पर स्कोप बनते हुए हमें देखने मिलेगा, इसका फ़ायदा ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक को भी होगा, साथ ही साथ जो इसके अंदर इन्वेस्टर्स है उनको भी काफ़ी लेवल पर फ़ायदा होते हुए देखने मिला है। जैसे कि स्टॉक के अगर रिजर्व की बात की जाए तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 और मार्च 2021 का कंपेयर कर तो रिजर्व के अंदर ज़बरदस्त तरीके से इजाफा आते हुए हमें देखने मिल रहा है। जहाँ तक कि एनालिसिस्ट की माने तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 85% यहाँ पर एनालिसिस इसे बाइंग की रेटिंग देते हुए देखने को मिल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू देख सकते हैं स्टॉक की करंट प्राइस से लेस देखने मिल रहे हैं, एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है, एंट्री पॉइंट भी स्टॉक के अंदर बेस है, और कोई भी स्टॉक ASM हो या GSM हो कोई भी लिस्ट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ऑपरेटर्स की यहाँ पर एक्टिव होने की चांसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। डिविडेंड रिटर्न के मामले में फिलहाल स्टॉक उतना अट्रैक्टिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अगर दिग्गज इन्वेस्टर्स की यहाँ पर होल्डिंग की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स ने रिसेंटली अपना स्टेक 0.19% से बढ़ा दिया है, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपना यहाँ पर स्टेक 1.53% से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर इंक्रीज कर लिया है। अगर आप इसके फाइनेंशियल ट्रेड के बारे में देखेंगे तो 2018 से लेकर 2021 में रेवेन्यू काफ़ी तौर पर यहाँ पर ज़्यादा लेवल पर बढ़ते हुए देखने मिला, और जहाँ तक कि प्रॉफिट की बात की जाए वो 3 इयर्स में एक लिमिटेड रेंज में देखने मिला 2.42,000 करोड़, 2.36,000 करोड़, 2.85,000 करोड़, और 2021 में देख सकते हैं वही प्रॉफिट हमें 5.33,000 करोड़ रुपीज़ के करीब जाते हुए देखने को मिला।
जहाँ तक कि स्टॉक के EPS की बात की जाए तो EPS देख सकते हैं 44.88 का देखने मिल रहा है। बुक वैल्यू भी काफ़ी स्टॉक की अच्छी देखने मिल रही है, 275.45 की देखने मिल रही है बुक वैल्यू भी स्टॉक के अंदर। हालांकि कंपनी के ऊपर यहाँ पर हमें डेब्ट देखने मिल रहा है जो कि 3,953 करोड़ रुपीज़ तक का स्टॉक के ऊपर डेब्ट देखने मिल रहा है, क्योंकि ये एक स्टॉक यहाँ पर एक मिड कैप वाला स्टॉक देखने मिलता है, लार्ज कैप वाली स्टॉक देखने मिल रही है इसके अंदर। तो आप ये रिड्यूस भी करते हुए ज़रूर देखने मिलेगा क्योंकि स्टॉक के अंदर उतनी एबिलिटी भी है और उसी लेवल पर उसका परफॉर्मेंस भी हमें देखने मिल रहा है। सो आई होप सो अरविंद फार्मा स्टॉक के जो गिरावट हो रहे हैं इसे आप पैनिक नहीं होगे और एक राइट डिसीजन लेंगे। सो थैंक यू सो मच।